नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। अफगानिस्तान में अपने उम्मीदों की सरकार बनाने को बेकरार रहा पाकिस्तान, अब तालिबान के शासन में आने के बाद से ही खासा परेशान है, क्योंकि तालिबानियों की गोली का शिकार पाकिस्तानी सैनिक से लेकर आम नागरिक हो रहे हैं। किसी की भी जान जाए ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन एक सत्य ये भी है कि तालिबान को पाल पोस कर बड़ा करने में सबसे अधिक सहयोग पाकिस्तान का ही रहा। हाल में चमन बॉर्डर पर भीषण गोलीबारी हुई, पहले खबर आई कि 6 लोगों की मौत हुई है, लेकिन अब यह आंकड़ा 7 हो गया है। इस मामले में पाकिस्तान का हाल क्या है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, ये हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। ढेर सारे लोगों की मौत और दर्जनों लोग इस पूरे हमले में घायल हुए हैं। इसके बाद से पूरे पाकिस्तान में इस बात पर अफरा तफरी मची है, सवाल उठ रहे हैं, हंगामा हो रहा है कि आखिर पाकिस्तान कोई करारा जवाब क्यों नहीं देता। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान की सरकार करारा जवाब की जगह निंदा करने के रास्ते पर चल पड़ी है। पाकिस्तान के पीएम की प्रतिक्रिया सामने आई है। शहबाज शरीफ ने ट्वीट करते हुए क्या कहा है, ये पहले हम आपको बताते हैं। चमन में अफगान सीमा बलों द्वारा अकारण गोलीबारी और आग लगने के परिणाम स्वरूप कई पाकिस्तानी नागरिक शहीद हो गए और 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और कड़ी निंदा के पात्र है। अफगानिस्तान अंतरिम सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, ये कहा गया है पाकिस्तान के पीएम की तरफ से। बहुत ठंडा रवैया है अपने नागरिक की जान जाने के बाद। वहीं इस पूरे मामले में पाकिस्तान सरकार लेकर सेना तक ने क्या कहा है ये भी जानते हैं। पाकिस्तान सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि यह अकारण और अंधाधुंध गोलीबारी थी जो कुछ देर तक जारी रही, और इसमें अफगान सीमा बलों द्वारा तोपखाने की गोलीबारी भी शामिल थी। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग ने इस घटना को अकारण और आक्रामकता के रूप में वर्णित किया है और कहा है कि पाकिस्तानी सैनिकों ने मामूली लेकिन मापी हुई प्रतिक्रिया दी है। दूसरी तरफ नागरिकों को निशाना बनाने से परहेज किया गया है। यह पाकिस्तान की सेना कह रही है कि हमने जब गोलीबारी की तो वहां के नागरिकों को निशाना नहीं बनाया, जबकि तालिबान ने ऐसा किया। वहीं पाकिस्तान के विदेश कार्यालय की तरफ से इस घटना की निंदा की गई है और काबुल में अपने समकक्षों से स्थिति की गंभीरता को समझने और अकारण गोलीबारी और गोलीबारी के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आह्वान किया गया है। इसमें कहा गया है कि इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं दोनों देशों के बीच भाईचारे के संबंधों के अनुरूप नहीं है। बयान में कहा गया कि अफगान अधिकारियों को सूचित किया गया है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचा जाना चाहिए और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो पाकिस्तान भले ही भाईचारे की बात अभी भी कर रहा हो, लेकिन तालिबान की तरफ से मैंडेट साफ है कि वो पाकिस्तान को नहीं बख्शने वाला है। कारण यह है कि वो डुरंड लाइन मानता नहीं है और पाकिस्तान कई इलाकों में अभी भी बाड़ेबंदी करना चाहता है, तमाम कोशिशें करता है और इसका विरोध वक्त वक्त पर होता रहता है। नतीजा ये होता है कि गोलीबारी होती है, खुलेआम पाकिस्तानी आम नागरिक मारे जाते हैं और पाकिस्तान की सरकार बदले में सिर्फ और सिर्फ निंदा करके बैठी रह जाती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। देखते रहिए भारत तक।